अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, सोशल एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ शील ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ, आप लोगों के सामने दो बड़े खुशखबरियां लेके आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली खुशखबरी यह है कि अल्लाह के करम से हैदराबाद में, हैदराबाद के बीचों बीच बल्ला गुड़े से काटादन जाने की रोड पर, उसके बीच में जो एक एरिया डेवलप हो रहा है जिसका नाम लेक व्यू हिल्स है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा दारुल हदीस, जामे इस्लामिया दारुल हदीस के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनने वाली है इंशाल्लाह, जिसके अंदर हिफ्स और आलिमियत और फजीलत का जो सो इसके अंदर हॉस्टल रहेगा और दीनी दुनियाई पढ़ाई यहाँ पे इंशाल्लाह रहेगी। बहुत सारे सोचों के साथ हम ये जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर सरपरस्ती में ये सोच लेके इस जगह पर एक ज़मीन ख़रीदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, जो 1740 गज़ पे ये प्लॉट है पूरा, जिसके अंदर 540 गज़ पे इसके अंदर मस्जिद बनेगी, 1200 गज़ पे ये पूरा मदरसा बनेगा इसके अंदर इंशाल्लाह। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमको ये मौका मिला है रमज़ान में इंशाल्लाह इसके अंदर ताउन करने का, इसको बढ़ चढ़ के जो है इसके अंदर हिस्सा लेने का। तो हम लोग बार बार दीनी पढ़ाई के लिए हम जो है सो मदारिस को ढूंढते हैं, तो हमारे हैदराबाद के बच्चे जो है यहाँ पे ये ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं रहने की वजह से हैदराबाद के बाहर जाकर जैसा कि उमराबाद है और दूसरी जगह पर जाकर पढ़ते हैं। तो वो सोच को लेके जो बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, हमारे हैदराबाद में ख़ुद ऐसा एक जामिया रहना जो जमीयत अहले हदीस के ज़ेर सरपरस्ती में इसका काम चलना, ये सोच को लेके जो तो हम ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी ज़मीन लिए 1740 गज़, 1200 गज़ पे इसका मदरसा बनेगा इंशाल्लाह। 1,65,30,000 रुपये इसकी पूरी टोटल अमाउंट है, जिसके अंदर से हम लोगों ने अल्लाह के करम से अब तक 43 लाख इसको अदा कर चुके हैं। जो टाइम हमको ओनर्स की तरफ से मिला था वो टाइम ख़त्म हो चुका है, रमज़ान के फौरी बाद इसकी पूरी पेमेंट हमको क्लियर करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लीजिए। 1,22,00,000 रुपए अभी बाकी है। मैं जानता हूँ हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कई ऐसे लोग हैं जो एक अकेला आदमी ये 1300 गज़ जो ज़मीन बच रही है इसके अंदर उसके पैसे दे सकता है। हमको करीब 10,000 रुपये गज़ से ये पड़ी है ज़मीन। अगर कोई आदमी ये सोच के अगर डोनेशन करना चाहे इस रमज़ान के बाबरकत महीने में, आपको तो मालूम है इसके क्या दर्जे है। 1 रुपया मैं वो चीज़ा समझाना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप लोग रमज़ान के पूरे महीने उलमाओं से सुन रहे हैं हर चीज़। 1 रुपये के आपको 7,000, 7,000, 7,00,000 से भी ज़्यादा जो सो इंशाल्लाह आपको रिटर्न अल्लाह ताला दे सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये 1300 का ज़मीन को अगर हम ये 1,22,00,000 और 1300 का ज़मीन को अगर डिवाइड करें, पैसों को ज़मीन के अंदर डिवाइड करें या ज़मीन को पैसों के अंदर डिवाइड करें, तो 1,22,00,000 रुपए एक आदमी दे सकता है। ऐसे कई लोग हैं हैदराबाद में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, या नहीं तो ये 1300 गज़ ज़मीन के लिए 13 लोग ऐसा हैदराबाद से, हैदराबाद में ऐसे नहीं है क्या जो 13 लोग ऐसे सामने आए अपने बड़ों के लिए, अपने वालदेन के लिए, उनके सदक़े जारिया के लिए जो है सो 13 लोग ऐसे आकर 100-100 गज़ ज़मीन के अगर पैसे दे दें तो ये काम हमारा जो है सो ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन जो है सो मदरसे के लिए हमारे पास आ जाएगी। और अगर 13 लोग नहीं आएंगे तो 26 लोग जो 50-50 गज़ ज़मीन के पैसे दे सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं कर सके तो इस ज़मीन को 100 गज़ ज़मीन को 10 लोग मिलके भी दे सकते हैं पैसे। जैसा कि 100 गज़ ज़मीन को अगर ख़ानदान के 10 लोग अगर मिलके अगर दे तो 1 गज़ ज़मीन हमारे पास 10,000 रुपये से पड़ रही है। तो उसको अगर ऐसे तरीके से भी देना चाहे तो आप लोग बराबर जो है सो हमारे से रब्ता करिए, या अगर कोई 122 लोग अगर मिलके अगर पैसे देना चाहते हैं आप लोग, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारा अकाउंट डिटेल ये सारी चीज़ आपके पास स्क्रीन पे है। आप लोग अपने ख़ानदान, अपने दोस्त अहबाब से भी इसके बारे में जो है जिक्र करिए और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अल्लाह के इस घर को बनाने के लिए और ये मदारिस को बनाने के लिए हमको आसानी हो और आपके लिए सदके जारी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।